You are welcome to Indra Legal Lab video classes. Now we are going to discuss section 7 of CRPC. Section Dhara 7 ki charcha hum aapke saath kar rahe hain. Dhara 7 kya hai? I think most of the students are reluctant to know these basic provisions. Bahut se vidyarthi is mamle mein reluctant hain. Wo chhod dete hain कि इन धाराओं में क्या लिखा है. तो आज देख लें, सेक्शन 7 इज अबाउट टेरिटोरियल डिवीजन. डिवीजन का मतलब भाग है, टेरिटोरियल का मतलब अक्षेत्रीय. इफ आई एम टू से दिस इज द स्टेट, अगर हरियाणा की ही मैं बात करूं तो दिस इज द स्टेट. नाउ Subsection 1 of the section 7 says every state shall be a session division. Every state shall be, ये हरियाणा state है, ये एक session division होगा. एक session division, only one session division for the whole हरियाणा. Or shall consist of sessions divisions. Pura state, for example Haryana, shall be a session division or consist of session divisions. 1, 2, 3, 4, 5. For example, session divisions to bahut hain. For example, या तो पूरे स्टेट के लिए एक सेशन डिवीजन होगा, सेल बी, और या क्या हो सकता है, एक स्टेट के लिए बहुत से सेशन डिवीजन, जैसे 1, 2, 3, 4, 5. तो मीनिंग देर बाय कि पूरे स्टेट को आपने सेशन डिवीजन नाम से एक डिवीजन बनाना होगा. आप पूरे स्टेट के लिए एक सेशन डिवीजन भी बना सकते हैं, या आप पूरे स्टेट को कई सेशंस डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. एवरी स्टेट सेल बी ए सेशन डिविजन और सेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिविजन्स एंड एवरी सेशंस डिविजन सेल फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. आप देखें कि पूरे स्टेट के लिए एक सेशन डिविजन होगा, या पूरा स्टेट बहुत से सेशंस डिविजन्स में डिवाइडेड हो सकता है. फर्स्ट थिंग, पहली बात यही होगी कि हर एक स्टेट को आपने सेशंस डिविजन्स में डिवाइड करना होगा, या उसको एक सेशन डिविजन बनाना होगा. अदर थिंग, पूरे जो आपने सेशंस डिविजन्स जो बनाए हैं उनको आपने एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना होगा. सेल, आपने यहां पूरे हरियाणा के लिए 5 सेशंस डिवीजन बनाए हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि हरियाणा इज हैविंग 5 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि हर एक सेशन डिवीजन को आप एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करें. या अगर आपने एक सेशन डिवीजन बनाया है तो उसको आगे लिखा कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कि हर एक सेशन डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट होगा या कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, या डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बना हुआ होगा. जैसे हरियाणा में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक सेशन डिवीजन है, तो मीनिंग क्या हुआ? इन डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक सेशन डिवीजन बना दिया गया है. या क्या हो सकता है, अगर आपने 5 सेशन डिवीजन बनाए हैं तो आपको 5 सेशंस डिवीजन को 5 डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर करना होगा. दैट इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ दिस सबसेक्शन. एक बार फिर से बेयर लैंग्वेज पढ़ें, एवरी स्टेट सेल बी ए सेशन डिवीजन, एक सेशन डिवीजन होगा, हर एक स्टेट सेल बी, और सेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन्स, या सेशंस डिवीजन से मिलकर बना होगा पूरा स्टेट, एंड और दोनों कंडीशन एक साथ कंप्लाई विद करनी है. ऊपर जो
और लिखा है उनमें से एक चीज़ करें, वो होने के बाद एंड वर्ड यूज है, ये कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी। वो क्या है, एवरी सेशंस डिवीजन सेल फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। क्या हो सकता है कि दो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेल बी, एवरी सेशन डिवीजन सेल बी कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का क्या मीनिंग है कि एक सेशन डिवीजन के अंडर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं। जैसे दो और तीन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए आप एक सेशन डिवीजन बना दें, या किसी एक डिस्ट्रिक्ट को इंडिपेंडेंटली एक सेशन डिवीजन बना दें, दो तीन चार जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर भी आप एक सेशन डिवीजन बना सकते हैं। नाउ देर इज प्रोविजो क्लॉज प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया सेल फॉर द सेड पर्पजेज बी ए सेपरेट सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, वी शैल डिस्कस विद यू। यहाँ लिखा है परंतु, प्रोविजो क्लॉज यूज किया है कि हरेक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा अगर सरकार ने डिक्लेयर किया है या डीम्ड डिक्लेयर्ड है तो वो एक अलग से सेशन डिवीजन होगा और एक अलग से डिस्ट्रिक्ट होगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोविजो क्लॉज। खैर नाउ इज सबसेक्शन टू, द स्टेट गवर्नमेंट मे, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी, मे डायरेक्टरी है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हरेक स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कब, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, एल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, कि इन डिवीजन की, सेशन डिवीजन की और डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या को, नंबर को कम या ज़्यादा कर सकती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कब, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। नाउ इज सबसेक्शन थ्री, द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट नंबर वन की बात करूं, इसको फर्दर पांच सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकती है गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से की कंसल्टेशन के बाद, एंड मे अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स, और बाद में इन सब डिविजन्स की संख्या को घटा सकती है या बढ़ा सकती है। नाउ इज सबसेक्शन फोर, द सेशंस डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। देखिए क्या है, इसने एक दुविधा को दूर किया है, क्योंकि सेशंस डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिविजन्स तो तब भी एग्जिस्टेंस में थे जब ये कोड आया, तो इसने उस दुविधा को दूर किया है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स सेशन डिवीजन या सब डिवीजन के बारे में क्या जो इस कोड की आने से एनफोर्समेंट से पहले एग्जिस्ट करते थे, तो उसके बारे में यहाँ लिख दिया गया है कि उन के बारे में यही विचार किया जाएगा, ये माना जाएगा, ये डीम किया जाएगा कि वो सेक्शन सात के अंदर, धारा सात के अंदर उनका निर्माण हुआ है, वो एग्जिस्टेंस में आए। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड फुल्ली सेक्शन 7, धारा 7 की चर्चा हम कर चुके हैं। एन्जॉय द लेक्चर, थैंक यू।